आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओक्टा एफएक्स ऐप से पैसे कैसे कमाते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर इसके प्रचार भी आते रहते हैं, यानी कि एड्स आते हैं कि आप ओक्टा एफएक्स ऐप से पैसे कमा सकते हैं। और सही भी है, आप इससे डेली का लाखों रुपए, हजारों रुपए डेली का आप घर बैठे जो है कमा सकते हैं। सिर्फ आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओक्टा एफएक्स है क्या। तो ओक्टा एफएक्स एक ट्रेडिंग ऐप है, ठीक, जिसके माध्यम से आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे फॉरेक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हो, मेटल्स में, सिल्वर में, गोल्ड में, या फिर क्रिप्टो करेंसी में जो है आप इससे जो है ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक। तो यहां पे देख सकते हैं मैंने ओक्टा एफएक्स ऐप को जो है खोल के रखा है और इसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से है। और अगर आप ओक्टा एफएक्स में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आप वहां से अपना अकाउंट बनाएंगे तो पहली बार में ही आपको 100% का डिपॉजिट बोनस मिलेगा, ठीक। जैसे आप $100 डिपॉजिट करते हैं तो $100 का और भी आपको जो है बोनस मिल जाएगा, यानी कि 100% का आपको डिपॉजिट बोनस मिल जाएगा। तो अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वहीं से बनाइएगा, ठीक। यहां पे देख सकते हैं जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे तो ऐप का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से, ठीक। यहां पे देख सकते हैं ये रियल अकाउंट है और यहां पे रियल अकाउंट मिल जाता है, डेमो का ऑप्शन मिल जाता है और कॉन्टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक। तो रियल अकाउंट यहां पे देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे दो जो है बने हुए हैं। अगर आप डेमो बनाना चाहते हैं तो यहां से आप डेमो भी बना सकते हैं। डेमो अकाउंट वो है जिसमें कि आपको जो है फ्री का पैसा मिल जाता है। आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि ट्रायल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उस केस में आप डेमो अकाउंट बना के जो है आप फ्री में जो है ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। आपका एक भी रुपए नहीं लगेगा। अगर आप रियल अकाउंट बनाएंगे तो यहां पे आपको पैसा डिपॉजिट करना होता है और मिनिमम जो है इसमें $20 के समथिंग आपको जो है डिपॉजिट करना, यानी कि ₹1500 आपको डिपॉजिट करके आपको ट्रेडिंग को स्टार्ट करना होता है, तभी आप जो है रियल फंड से जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक। बाकी अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप जो है रियल में अपना पैसा डिपॉजिट करिए। आप डेमो अकाउंट क्रिएट करिए, सबसे पहले सीख, अगर आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं हम प्रॉफिट कर सकते हैं, तो उस केस में आप जो है अपना रियल अकाउंट क्रिएट करके जो है पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर रियल अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं लेकिन फंड आप नहीं डिपॉजिट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, इधर एक कॉन्टेस्ट का ऑप्शन है, तो ये भी जो है यहाँ पे इसमें जो है ओक्टा एफएक्स में कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, तो आप कॉन्टेस्ट में जो है पार्टिसिपेट करके यहाँ पर भी फ्री में जो है चीज़ों को जो है जीत सकते हो और यहाँ से भी जो है आप काफ़ी अच्छा इनकम का स्रोत बना सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले हम डेमो की बात करते हैं कि डेमो अकाउंट कैसे बनाएंगे और आप लोग ट्रेडिंग कैसे करोगे, ठीक। तो यहां पे जैसे आप जो है प्लस वाले ऑप्शन पे यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा। पहले यहां पे देख सकते हैं एक दिया है MT5, यहां पे लिखा है MT5, और इधर एक देखेंगे दिया है ओक्टा, यानी कि ओक्टा ट्रेडर, और तीसरा दिया है MT4, ठीक। जब भी आप किसी भी यानी कि ब्रोकर में फॉरेक्स में जो है आप बना रहे हैं अकाउंट, चाहे वो ओक्टा एफएक्स हो, XM हो, एक्सनेस हो, कहीं पर भी आप अकाउंट बना रहे हैं, तो वहां पे आपको ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। वैसे ज्यादातर लोग जो अपना ट्रेडिंग करते हैं यहां से अकाउंट को बनाते हैं, या तो MT5 में जाके लॉग इन करके ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो है MT4 में करते हैं, ठीक। बाकी आप ओक्टा एफएक्स का जो ऐप है यहां से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहां पे चीजें फीचर्स दिए गए, जैसे कि स्प्रीड इसका देख सकते हैं 0.6 पिप्स का जो है इसका स्प्रीड है, और इंस्ट्रूमेंट यहां पे देख सकते हैं अगर आप ओक्टा एफएक्स MT5 अकाउंट बनाते हैं तो 230 जो है आपको इंस्ट्रूमेंट वहां पे मिल जाते हैं और मिनिमम डिपॉजिट $25 का है फिलहाल, यानी कि जो आप ये अकाउंट बना रहे हो डेमो अकाउंट इसमें डिपॉजिट नहीं करना है, ठीक। और मैक्सिमम लेवरेज जो है यहां पे देख सकते हैं 1.500 का है और यहां पे मार्जिन दिया है और साथ ही स्टॉप आउट लेवल दिया गया, ठीक। तो उसके बाद में यहां पे देखेंगे ओक्टा एफएक्स में जो भी फीचर दिए गए यहां पे उसे देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो है यहां पे 80 आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और MT4 में जो है इंस्ट्रूमेंट आपको 74 देखने के लिए मिल रहे हैं। फिलहाल मैंने जो अकाउंट बनाया है MT4 में बनाया है। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे जो है एक्सपीरियंस है, कहाँ पे आपको अच्छा लगता है, वही मेन चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए जैसे हम यहाँ पे MT4 में ही बना के आपको दिखाते हैं, तो कॉन्फिगर के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप अभी भी रियल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि रियल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक। और अगर आप जो है डेमो बनाना चाहते हैं डेमो के ऊपर ही रहने दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे लेवरेज जो है आप लेवरेज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं लेवरेज आप कम ज़्यादा, लेकिन आप जो है 1.500 ही रहने दीजिए, 1:500, ठीक। उसके बाद में बैलेंस, आप कितने डॉलर का जो है डेमो अकाउंट बनाना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट $5000 दिया है, आप चाहें तो $500 भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप उतने से ही यहां पे ट्रेडिंग करें, यानी कि सीखें, जितना बाद में आप डिपॉजिट करके आप जो है यानी कि ट्रेडिंग कर सकें। मान लीजिए यहां पे आपने $5000 तो डाल दिया, ठीक, $5000 आपने डाल दिया यहां पे,
लेकिन आपके पास बाद में फंड नहीं है $5,000 का, तो आपने इससे डिपॉजिट ये $5,000 का अकाउंट बना के आपने ट्रेडिंग तो किया, उसमें आपने प्रॉफिट कर लिया, लेकिन इतना फंड अगर आपके पास नहीं है, आप कम फंड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उस केस में जितना फंड है आप उसी से उतने से एक्सपीरियंस लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो यहाँ से आप प्रॉफिट तो कर लेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि हाँ हम प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन जब आप रियल फंड में डिपॉजिट करोगे $100 $50 या फिर $200 $20 तो उसमें आप लॉस खा जाओगे। ठीक, तो यहाँ पे मिनिमम हम यहाँ पे करते हैं $500, क्योंकि हम बाद में $500 से ही यानी डिपॉजिट करके रियल फंड में करेंगे। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बाद में $500 का ही करना है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप उतने से ही आप डेमो पे ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक, नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट ट्रेडिंग अकाउंट का, तो आप सिंपल सा क्रिएट ट्रेडिंग अकाउंट का ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो डेमो अकाउंट है, यहाँ पे लिखा है योर डेमो अकाउंट इज रेडी, यानी कि आपका जो फ्री ट्रायल वाला अकाउंट है वो बन चुका है, और यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी भी मिल गया और यहाँ पे पासवर्ड भी मिल गया। ठीक, तो यहाँ से हम इसे कर देते हैं लेटर, यानी कि आगे चलते हैं, लेकिन आपको इस आईडी को यानी कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड को नोट कर लेना है। ठीक, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम यहाँ से इसे कट करते हैं, कट करने के बाद में अब यहाँ पे देखेंगे डेमो में मेरा एक MT4 अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है $500 का। अब हम $500 का फ्री में ट्रेड करके सीख सकते हैं। अब ट्रेडिंग करने के लिए आप प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे आप टाइप कर दीजिएगा MT4। ठीक, यहां पे आप टाइप करिएगा MT4 और MT4 लिख के जैसे सर्च कराएंगे तो आपके सामने ये वाला ऐप आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है मेटा ट्रेडर फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग। आपको क्या करना है, इसी को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये मेरा अपडेट मांग रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में ओपन के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक, जैसे आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे क्या करना है, उसी अकाउंट को अपने लॉग इन करना है। ठीक, तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको इसी ऐप का यूज करना है। यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी से पहले एक रियल अकाउंट जो है लॉग इन हो रखा है, तो मैनेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पे देख सकते हैं मेरा लॉगिन हो रखा है नया अकाउंट। जैसे मुझे डेमो अकाउंट जो है $500 वाला यहां पे ऐड करना है तो यहां पे प्लस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे एक तो दिया है ओपन ए डेमो अकाउंट, यहां पे लिखा है लॉगिन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो आपको ओपन तो करना नहीं डेमो अकाउंट, तो यहाँ पे लॉगिन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक, अब यहाँ पे फाइंड ब्रोकर के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा अपने यानी कि जो आपने अकाउंट क्रिएट किया उसका सर्वर नेम आपको पता करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ओक्टा एफएक्स ऐप में ही चले जाना है और सर्वर नेम पता करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इधर देखेंगे तो एक इंफॉर्मेशन इन्फो लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सर्वर जो नेम होगा यहाँ पे देख सकते हैं दिया सर्वर नेम ओक्टा एफएक्स डेमो, तो आपको क्या करना है वहां पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है ओक्टा एफएक्स डेमो। ओक्टा एफएक्स डेमो ऊपर ही दिया है तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने आईडी और पासवर्ड यहाँ पे जो है डाल दिया। अगर इनकेस आपने आईडी पासवर्ड को नहीं भी नोट किया है तो जिस भी ईमेल से आप जो है ओक्टा एफएक्स में रजिस्टर करते हैं उसी ईमेल पे आपका डेमो अकाउंट का भी लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक, जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से आपका एक फंड भी शो कर देगा और यहाँ पे जब आप इस वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका फंड और साथ ही आपकी इक्विटी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो हो गया। ठीक, अब बात आती है कि ट्रेडिंग कैसे करना है, तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है यानी कि आपको चार्ट में जाना है। चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं XAUUSD 15 मिनट का ये गोल्ड का चार्ट है, बाकी आप अदर करेंसी को भी जो है यानी कि ऐड कर सकते हैं, उसके लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर यहाँ पे कई सारी करेंसी ऑलरेडी ऐड भी हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे USDCH यानी कि USDCHF है, EURUSD है, GBPUSD है, और किसी करेंसी को अगर आप ऐड भी करना चाहते हैं तो प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेक्स क्रिप्टो मेटल्स इन सभी को ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है, आप यहीं से ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप जैसे मान लीजिए गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे गोल्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया एक ओपन चार्ट का ऑप्शन, तो आपको क्या करना है ओपन चार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट आपके सामने आ गया जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट है। अब इस चार्ट को आपको समझना होगा, ट्रेडिंग तभी आप कर पाएंगे जब आप इस चार्ट को समझेंगे। ठीक, जब आप इस चार्ट को नहीं समझेंगे और वैसे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लॉस में ही जाना है, तो इसलिए आप डेमो पे ट्रायल करके आप चार्ट को जो है समझ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल जो हरे कलर की कैंडल दिख रही है इसका मतलब ये है कि मार्केट अप जा रहे ऊपर जा रहे, और रेड कलर का जो कैंडल है इसका मतलब है कि मार्केट डाउन जा रहे। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ
एक अनुमान का ही यानी को होता है, खेल होता है। अगर आपका अनुमान सही रहता है, आपने जो भी अनुमान डाला है, अगर आपका अनुमान सही रहता है तो आपको वहां पे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपके अनुमान के अपोजिट मार्केट जाती है तो आपको लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे देख सकते हैं, अभी इस लेवल पे जो है गोल्ड जो है ट्रेड कर रहा है इस पोजीशन पे, ठीक। तो यहां पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहां पे मान लीजिए 1 मिनट का कर लेते हैं। वैसे आप ट्रेडिंग बड़े ही यानी कि टाइम फ्रेम में करिएगा, यहां पे हम दिखाने के लिए, ठीक। अब यहां पे देख सकते हैं, अगर यहां पे कोई सेल किया होता इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे कोई सेल किया होता तो यहां पे देख सकते हैं मार्केट डाउन जा रही है, तो उसे जो है प्रॉफिट होता। अब यहां पे हम आपको लॉट भी लगाना सिखा दे रहे हैं, जिसे आप जो है ट्रायल कर लीजिएगा। तो लॉट लगाने के लिए क्या करना है, यहां पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहां पे देख सकते हैं सेल का ऑप्शन दिया है और बाय का ऑप्शन दिया है, ठीक। अगर बाय करना चाहते हैं तो बाय के ऊपर क्लिक कर देंगे, सेल करना चाहते हैं तो सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक। यहां पे हम सेल के ऊपर क्लिक कर दिए जैसे, अब यहां पे देख सकते हैं मैंने सेल कर दिया। अब इस लेवल पे मैंने लगभग सेल किया है, अगर मार्केट यहां से अब नीचे जाएगी तब तो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट इससे ऊपर चली गई तब मेरा जो है लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ट्रेडिंग किया जाता है। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जिस हिसाब से मार्केट जो अपना मूवमेंट कर रही है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे शो हो रहा है। अभी देख सकते हैं प्रॉफिट में चला गया, यहाँ पे देख सकते हैं जब ये ब्लू कलर का हो जाएगा। अभी मान लीजिए इसे मैंने यहाँ पे दबाया और इसे क्लोज कर दिया, ठीक, तो ये प्रॉफिट में चला जाएगा। इस तरह से आप ओक्टा एफएक्स से पैसे कमा भी सकते हो। और अगर आपको जानकारी सही नहीं है और रियल फंड पे आप ट्रेड करते हो बिना जानकारी के, तो आप अपने पैसे को गंवा भी सकते हो, दोनों चीज है। अगर आपको जानकारी है तो आप अच्छा पैसा यहाँ से कमा भी सकते हो, अगर जानकारी नहीं है तो आप पैसे को गंवा भी सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप ऐसे ही और ट्रेडिंग से संबंधित वीडियो पाना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।